बोलिए। कल का क्वेश्चन में कोई डाउट है? कल जो कराया था इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट कैलकुलेशन में? नहीं सर, नहीं नो तो सर। नो। तो चलिए उसी के ऊपर डिफरेंट में आपको समझ में आ ही चुका है सर, डिफरेंट इंटरेस्ट वे में कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा कल का मिस्टर ए टेकिंग लोन फ्रॉम मिस्टर बी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो करने वाला हूं। मिस्टर ए टेकिंग लोन फ्रॉम मिस्टर बी फॉर विच? फॉर विच पेमेंट मेड एज फॉलोज, मिस्टर ए टेकिंग लोन फ्रॉम मिस्टर बी जिसके लिए पेमेंट एज फॉलोज। बोलिए तो ये गौर से देखिए। मिस्टर बोलो क्या है? मिस्टर ए टेकिंग लोन फ्रॉम मिस्टर बी फॉर विच पेमेंट मेड एज फॉलोज। क्या डेट ऑफ पेमेंट ₹1,000, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर वन इज 1040, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1040, 960, थर्ड इंस्टॉलमेंट 880। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन। बोलिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, कैसे करेंगे? आपको डाउन पेमेंट बोल दिए तो हटाओ, चलो डाउन पेमेंट। इंस्टॉलमेंट जिसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है तो पूरा ही प्रिंसिपल है, हटाओ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल दिया है 1040, सेकंड इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 960, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट बोल रहा है 880। कैसे करेंगे? ये सिचुएशन में मुझके कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। क्या आप एज्यूम करेंगे? आप लोग जानते हैं एक पेमेंट के भीतर दो कंपोनेंट रहता है, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट और एक प्रिंसिपल कंपोनेंट। यस और नो? यस सर। आप लोगों को मैंने ही कल का क्लास शुरू किया था जहां पर प्रिंसिपल का कंपोनेंट इक्वली डिवाइड किया और हर साल इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करके उसका ऊपर पेमेंट होता था। एम आई करेक्ट? तो कैसे निकालेंगे? मैं मान के चलता हूं हर आइटम में दो कंपोनेंट है, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट। अगर हर आइटम में सेम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है तो हर जगह में एक्स 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 रहेगा, और हर जगह में इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना होगा? अगर एक्स 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 तीनों जगह है तो इंटरेस्ट का कंपोनेंट होगा एक्स 2y एंड 3y। समझ में आ रहा है?
दिखा रहा हूं आपको। कल का क्वेश्चन थोड़ा मुझे चाहिए, कल का क्वेश्चन कहां, आंसर कहां, सॉल्यूशन कहां मिलेगा? ब्रांच हायर परचेस, चलो कल का क्वेश्चन में फर्स्ट आइटम याद है आपको, ये वाला एक लोन लिया था 1 लाख रुपीज जो डाउन पेमेंट है 10,000 एंड बैलेंस टू बी पेड इन अ 3 equal annual installments टुगेदर विथ इंटरेस्ट 12%, याद करो। तो मैंने क्या किया था, जो लोन है उसको इक्वली मैंने बांटा था, देखो 30 30 30, यस और नो? यस सर। और बहुत ध्यान से आप इंटरेस्ट के ऊपर कंसेंट्रेट करो, तो इंटरेस्ट के ऊपर कंसेंट्रेट करो। देख के बोलो तो कुछ तुमको बोलेगा, पैटर्न तुम देख सकते हो और नहीं देखता हूं तो तुमको कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा। प्रिंसिपल का पैटर्न है 30 30 30, मतलब तीनों में ही सेम। इंटरेस्ट का पैटर्न देखो तो कुछ मिल रहा है, ये पैटर्न पहले निकालो, मैं नहीं बोलूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट है, हाँ वो तो मैंने बोल दिया है, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है सर, इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ये हो। ओके ओके, एक पॉइंट है और, डिक्रीज तो हो रहा है, डिक्रीज का कोई पैटर्न आप देख सकते हो? देखो तो सर, फाइनल इंस्टॉलमेंट का सर इंटरेस्ट जैसे डिक्रीज हो रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन कुछ पैटर्न देख सकते हो? नहीं, यही तो निकालना है। बाप रे बाप, एक बार में ज्वाइन कर तो मैं पागल हो जाऊंगा। बोलो कुछ पैटर्न देखने को मिलता है, यस और नो? मैं तो एक पैटर्न देख रहा हूं, आप लोगों को कोई पैटर्न मिल रहा है? ध्यान से देखो तो, वो देखने से ही आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो, प्रिंसिपल 30 30 है, इसमें कोई शक नहीं है, वो भी कांस्टेंट है। इंटरेस्ट डिक्रीजिंग है, वो भी कोई शक नहीं है, वो तो रिक्शा वाला भी बोल सकता है। लेकिन फाइनल इंस्टॉलमेंट का सर जो इंटरेस्ट है वो सारा इंटरेस्ट में ऐड करने से ऊपर का इंटरेस्ट बढ़ रहा है ये? नो सर, इक्वल इंस्टॉलमेंट में जब वो लिया है तो 30,000 पहले डिक्रीज हुआ, फिर 30,000 डिक्रीज। ना, मैंने सिर्फ ये, मैं हटाओ, मैं ये तीन फिगर में कुछ पैटर्न है और नहीं मैं पूछना चाहता हूँ। चलो 3,600, 7,200, 10,800, व्हाट इज एन, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? बोलो तो, कोई पैटर्न है और नहीं? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए सर, डिक्रीज हो रहा है ना सर 3,600। हम लोग भी जानते हैं, हम लोग एग्री कर चुके हैं सर डिक्रीज हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पैटर्न में जानना चाहता हूं कौन सा पैटर्न में डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है। ये क्लास 4-5 का चीज है जो दिखा रहा हूं सर। देखिए ये 3,600 है, ये इसका ट्वाइस है 7,200 है, और ये इसका थ्राइस है 10,800। यस और नो? देखे हो सर, ये 3,600 है तो इसका डबल है, इसका ट्रिपल है, ये अगर दो गुण है इसका तीन गुण है, अगर 4 साल होता तो ये इसका 4 गुण होता। एक पैटर्न है, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं ये अगर x है तो बगल वाला हो जाएगा 2x,
उसके बगल वाला हो जाएगा 3x। यस और नो बेटा, यस सबको पूछ रहा हूं, क्लियर और नॉट? सर, यस सर, चलो तो मैं बोल सकता हूं सर, लास्ट इंस्टॉलमेंट को अगर पकड़ता हूं, वाई अगर मेरा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना होगा? एक्स। थर्ड इंस्टॉलमेंट का पैटर्न, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इक्वेशन क्या होगा? वाई प्लस क्या होगा? 2x। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैटर्न क्या होगा? वाई प्लस 3x। एक्स। यस और नो? चलो आ जाओ आप। एज्यूमिंग दैट द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन इज पेड इन द थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, टुगेदर विद इंटरेस्ट, लेट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट लेट फॉर द लास्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट बी एक्स। क्या है? प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट को एक्स मानता हूं और इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट लास्ट में क्या होगा? वाई। तो देयरफॉर फॉर थर्ड इंस्टॉलमेंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू 880। यस और नो? फर्स्ट इक्वेशन यस सर, ओके। फॉर सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा सर? प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही रहेगा, मतलब एक्स रहेगा, प्लस इंटरेस्ट कंपोनेंट क्या होगा? ये पैटर्न में अगर लोन पेमेंट होता है तो क्या होगा इंटरेस्ट का कंपोनेंट? कुछ देर पहले ही कराया। फर्स्ट तो हमने साथ कितना शुरू किए हैं? से शुरू करोगे तो तुम्हारा इक्वेशन करना पॉइंट में आ जाएगा। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं लास्ट से शुरू करूंगा, सो दैट नीचे वाला वाई होगा तो उसके ऊपर वाला 2y होगा, उसके ऊपर वाला 3y होगा। আমি কি এখন ক্লাস করাবো না ওটা আনতে যাবো? ক্লিয়ার অর নট? यस सर, तो मैं अगर फास्ट करते तो फास्ट को अगर वाई पकड़ते तो उसका 0.3 करना पड़ता, 0.2 करना पड़ता। सो बेटर हम लोग क्या किए, हम लोग उसको फ्रैक्शन को इग्नोर करके स्ट्रेट वे में नीचे से स्टार्ट किए। नीचे अगर एक्स प्लस वाई है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट अगर एक्स प्लस वाई है तो सेकेंड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? एक्स प्लस 2y। थर्ड लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? एक्स प्लस 3y। थर्ड प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। यस और नो? एग्री? यस सर, यस सर, फिर से बोल रहा हूं, लास्ट इंस्टॉलमेंट को एक्स एंड वाई पकड़ो। एक्स क्या है? प्रिंसिपल पार्ट एंड वाई क्या है? इंटरेस्ट पार्ट। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होगा सर? एक्स तो रहेगा ही प्रिंसिपल, प्लस इंटरेस्ट का कंपोनेंट ट्वाइस हो जाएगा, बिकॉज आप लोग जानते हैं लास्ट में इंटरेस्ट कम रहता है, उससे पहले इंटरेस्ट ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होगा सर? टू टाइम्स ऑफ वाई। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा? एक्स तो रहेगा ही प्लस 3 times of y, clear or not? यस सर, तो x plus y कितना? 880। x plus 2y कितना? 960। x plus 3y कितना? 1040। yes or no? यस सर, तो मेरे पास तीन इक्वेशन हो गया। एनी टू इक्वेशन यू कैन सॉल्व x एंड y। आई रिपीट, मेरे पास दो इक्वेशन मिनिमम, दो अननोन सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन तो लगता ही है, तो मैं एनी टू इक्वेशन को सॉल्व कर ले लेता हूं, 1, 2, 2, 3 एनीवन, एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो नाउ सॉल्व द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द इक्वेशन 1 और 2। कैसे करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो एक्स प्लस वाई 880 माइनस एक्स, और माइनस करेंगे एक्स प्लस 2 वाई माइनस दैट इज 960। तो क्या होगा? यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस साइन,
यहां पर भी माइनस, मतलब ओवरऑल माइनस साइन सर, माइनस साइन। तो ये माइनस करने से क्या होगा, एक्स एक्स कट जाएगा, यस और नो? प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, यहां पर भी माइनस करने से वाई, माइनस वाई करने से माइनस वाई, इक्वल टू 880 माइनस 960 करने से माइनस 80, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया 80। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना, सर फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 880, y का वैल्यू आपके पास 80 हो गया, x का वैल्यू कितना होगा बेटा, x का वैल्यू 800, y का वैल्यू अगर 80 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा, सर 880 माइनस 80, दैट इज 800 फ्रॉम इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में तो लिख ही दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 880, तो वहां से 80 माइनस करोगे तो 800 आ जाएगा। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है 80, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है 80 एंड लास्ट ईयर का प्रिंसिपल पेमेंट है कितना, 800। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 80 एंड लास्ट ईयर का प्रिंसिपल पेमेंट 800। तो कैलकुलेशन ऑफ लोन टेकन कैसे आएगा, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट है 880, उसमें प्रिंसिपल 800, इंटरेस्ट 80। सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 960, जिसके भीतर 800 प्रिंसिपल एंड 160 इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट 1040, जिसके भीतर प्रिंसिपल 800 एंड इंटरेस्ट 240, यस और नो? 3y था तो 3 × 80, दैट इज 240। टोटल कितना हुआ, प्रिंसिपल 240 और इंटरेस्ट 480, प्लस डाउन पेमेंट 1000, जिसके भीतर इंटरेस्ट नहीं रहता है। टोटल लोन का अमाउंट कितना हुआ, 3400, यस और नो? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग बोलिए क्या होगा, किसको पकड़ेंगे आप, सिर्फ इक्वेशन का स्ट्रक्चर मुझको बताइए। यहां पर लोन टेकिंग, डाउन पेमेंट 1600, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड ऑफ द ईयर 1 3500, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ईयर 2 इज 3000 एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑफ ईयर 3 इज 2500। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लोन, यहां पर भी सेम एज्यूम करेंगे, आप लोग बोलिए क्या करेंगे। बोलिए सर, प्रिंसिपल को एक्स और इंटरेस्ट को वाई। कौन सा इंटरेस्ट को वाई पकड़ेंगे सर, लास्ट ईयर का, लास्ट वॉल का, वेरी गुड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हुआ बेटा, x plus y is equal to 2500. Very good. x plus y equal to 2500. Next equation. x plus 2y equal to 3500. ध्यान से, 3000. और लास्ट इक्वेशन x plus 3y तो चलिए अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप लोग जितना जैसे बोला है वैसे ही मैंने किया है, 2500 बोलो।
इक्वेशंस को सॉल्व किया, y को 500 आया तो y इक्वल टू 500। सर माइनस कैसे आया एक बार फिर से बताइए ना। आप लोग खुद का खाता में लिखिए, तो खुद का खाता में करिए, x प्लस वाई इक्वल टू 2400 और x प्लस 2y इक्वल टू 3000 कैलकुलेट कीजिए अभी। हाँ सर माइनस 500। ठीक है, ये मेरा ये बोर्ड होता तो मैं नीचे में दिखा सकता, ये तो कंप्यूटर है मेरे, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं उसके नीचे फिगर लिखाऊंगा। हम लोग नॉर्मली नीचे माइनस कर देते हैं तो ऊपर प्लस वाला माइनस हो जाता है, यहां पर ये माइनस इंडिकेशन मतलब आप समझ लीजिए, मतलब एक्स के सामने भी माइनस होगा, ये प्लस चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये 300 चेंज होके माइनस हो जाएगा। ओके डन। देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना 2000, तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट हाउ मच, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 500 एंड लास्ट ईयर का प्रिंसिपल 2000। एग्री? तो कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट बोलो। उसके भीतर प्रिंसिपल 2000, इंटरेस्ट 500 सेकेंड ईयर का, 3000 के भीतर 2000 प्रिंसिपल, 1000 इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का, 2000 प्रिंसिपल, 1500 इंटरेस्ट, तो टोटल 6000, डाउन पेमेंट 1600 एंड टोटल लोन हो गया 7600। यस और नो? यस सर। एग्जांपल टू गया, एग्जाम्पल थ्री। हाँ एग्जाम्पल थ्री वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत काम में आएगा, सभी काम में आएगा, इसलिए मैंने दिया आप लोगों को करने के लिए। लोन टेकन 1/1/2020 टू बी पेड एज फॉलोज, डाउन पेमेंट रुपीज 50,000 एंड बैलेंस टू बी पेड इन थ्री इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 55,086 विथ इंटरेस्ट 5% पर एनम, शो द इंटरेस्ट एलोकेशन एंड अमाउंट ऑफ लोन, लोन का अमाउंट बोलिए। लोन का अमाउंट बोलिए मुझे, क्वेश्चन समझ में आया? डाउन पेमेंट बोल दिया और बैलेंस इन थ्री इक्वल इंस्टॉलमेंट वो बता दिया, क्या नहीं बोला? लोन का अमाउंट, तो मुझे लोन का अमाउंट बताइए। ध्यान से देखिए, लेट ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर एनी ईयर बी एक्स, कोई ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, सबको ध्यान देने के लिए बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट आज का जो क्लास है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर एनी ईयर, एनी ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में मान के चलता हूं 100 रुपया, ड्यूरिंग द ईयर इंटरेस्ट ऐड होता है ओपनिंग के ऊपर 5%, दैट इज 5 रुपया, क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट और बिफोर पेमेंट कितना आएगा बोलिए, 105, यस और नो? ओपनिंग अगर 100 रुपया है, इंटरेस्ट अगर 5 रुपया है, तो इंटरेस्ट जोड़ के फिगर कितना आता है 105, यस और नो? यस सर।
तो मैं अगर बोलता हूं, मैं 105 का फिगर बोल दिया, इंटरेस्ट अगर 5 रुपया है तो क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना है सर? 5/105। ओपनिंग के ऊपर इंटरेस्ट है 5/100, क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? 5/105, यस और नो? एग्री? चलिए करते हैं। लास्ट ईयर बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट कितना होगा? 31/12/2022 क्यों? बिकॉज फर्स्ट ईयर लोन लिया है 20 में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ द 20, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ द 21, एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा एट द एंड ऑफ 22। यहां पर गाड़ी को बैक गियर देना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? लास्ट ईयर बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट, लास्ट ईयर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना आता है? कितना आता है बोलो सर? 55,086, बिकॉज लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका 55,086 होगा, यस और नो? उसके यस भीतर आपको इंटरेस्ट रहना है, 2022 का इंटरेस्ट रहेगा, यस और नो? कितना इंटरेस्ट होगा? 55,086 इंटू कितना इंटरेस्ट होगा बोलो? इसके भीतर कितना इंटरेस्ट रहेगा? कैलकुलेट करके बोलो तो मुझे, देखता हूं क्या बोलते हो। फिफ्टी फाइव बाय फाइव हंड्रेड एंड फाइव सिक्स के भीतर कितना इंटरेस्ट होगा लास्ट ईयर में? इंटू सर क्या होगा? 5/0/105। वेरी गुड, 5/105, बिकॉज ये फिगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है, तो दैट इज 105 के भीतर 5 रुपया इंटरेस्ट, तो 1 रुपया में 5/105, 55,086 में क्या होगा? 55,086 इंटू 5/105, क्लियर? सो इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है बेटा? 55,086, 55,086 इंटू 5/105 कितना आएगा? 2623.14 23 बस और ना? तो अगर इंटरेस्ट का कंपोनेंट 263 है, 55,086 के भीतर इंटरेस्ट अगर 2623 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 55,086 माइनस 2623 कितना? 5246 2 फोर फाइव सिक्स टू 4 6 3 होगा सर, सिक्स से थ्री माइनस करने से थ्री होता है। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया? 2623। आप मुझे ओपनिंग बैलेंस बोल सकते हैं कितना हो था? मतलब ओपनिंग बैलेंस था 52,463, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड हुआ था 2623, जिससे क्लोजिंग बैलेंस आया 55,086, जिसको मैंने पेमेंट कर दिया था। एग्री और नॉट? 2022, 3 साल के बाद में, मतलब इन द ईयर 2022 का ओपनिंग बैलेंस था शायद 52,463, जिसके ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज करके मैंने किया था 2623, ऐड करके फिगर आया था 55,086, और मेरा प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट भी था 55,086, माइनस कर दिया था। क्लियर? तो 52,463 फिगर आया कैसे? 1/1/2022 में फिगर आया कैसे? सर सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था उसके बाद आया था, यस और नो? सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था इसके बाद आया था, एग्री और डिसएग्री? सो दैट इज सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 55,086, फिगर कितना आया था? प्लस 55,086, तो 107,549। ये कौन सा डेट का फिगर है सर? 2021 का क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये फिगर कितना है 107549, इसमें इंटरेस्ट कितना होगा 107549, कितना इंटरेस्ट ऐड करने से फिगर आया होगा इनटू 5/105, यस और नो? यस 107549 इनटू 5/105, तो इसके भीतर भी वही इंटरेस्ट रहेगा बिकॉज 5/105 में 105 रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और 5 रुपए इंटरेस्ट। अगर 105 में 5 रुपए इंटरेस्ट होता है तो 107549 में कितना इंटरेस्ट रहेगा इंटू 5/105? 5121 तो इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना है 5121, प्रिंसिपल कंपोनेंट कितना है 1,02,338 सर 1 लाख, प्रिंसिपल कंपोनेंट क्या होगा सर 55,086 के भीतर इंटरेस्ट का कंपोनेंट है 5121, हाउ मच 49,965 49,965 चलो, तो इंटरेस्ट अगर आउट कर देता है तो 2021 का ओपनिंग बैलेंस होगा यस और नो? 2021 का इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस इज द 1,07,549, इफ यू एक्सक्लूड द इंटरेस्ट सो वी विल गेट द फर्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग at the beginning. So what is the outstanding at the beginning? 1,07,549 minus 5121. Kitna? 1,02,428. So ye figure ka balance 1,121 kaise aya? Including. तो ये फिगर आया है दैट इज 1,02,428। ये फिगर कैसे आया है सर फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद? तो चलो फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करो, फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट है हाउ मच 55,086, तो कितना बैलेंस होगा मतलब बैलेंस 31/12/2020 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ईयर वन हाउ मच? सर 1,57,514 1,57,514 यस और नो? लास्ट ईयर इंटरेस्ट, सॉरी लास्ट ईयर नहीं फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, बोलो क्या होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट इंक्लूड करके ये फिगर आया होगा, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट कितना 157,514 इंटू 5/105, यस और नो? बोलो हाउ मच? 7,500 बैलेंस ऑन एज ऑन 1/1/2020 मतलब इंटरेस्ट अगर एक्सक्लूड कर देता हूं तो कितना ओपनिंग बैलेंस रहेगा? तो टोटल यहां पर प्रिंसिपल कितना था 55,086 माइनस इंटरेस्ट 7,500
comes to 47,580. डाउन पेमेंट कितना किया था? तो ये आपका नेट लोन था, डाउन पेमेंट था 50,000, आपका लोन अमाउंट है 2,00,014. यस और नो? तो पूरा ही मैंने बैक कैलकुलेशन किया है. आप लोगों का बहुत सारे स्टूडेंट में आप लोगों का दिमाग में आ रहा है, ये मैंने कहीं पर देखा है, बहुत सारे लोगों में ये फिगर कहीं पर मेरे आंख में आ रहा था. आ जाओ, कल का क्लास एक बार देखते हैं. देखो तो ये वाला क्वेश्चन, टेकिंग लोन 2,00,000 रुपीज टू बी पेड एज फॉलोस. देखो तो लोन लिया था 2,00,000, डाउन पेमेंट किया है 50,000, बैलेंस है 1,50,000, उसके ऊपर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 1,500, बैलेंस आया है 1,57,500, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 55,086, बैलेंस आया है 1,02,414, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट एड करके ये फिगर आया है, लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो फिगर आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट किया वो फिगर आया है, वो फिगर यहां से गया. मैंने ये प्रॉब्लम में स्ट्रेट वे फॉरवर्ड चार्ज किया था, मतलब फॉरवर्डली कैलकुलेट किया था, यहां पर रिवर्स चार्ज किए थे, मतलब बैकवर्ड कैलकुलेशन किए थे. देखो सेम चीज, एक्चुअली वही प्रॉब्लम से मैंने ये प्रॉब्लम डेवलप किया था. सर 14 का जो प्रॉब्लम है वहां पर भी देखो अप्रोक्सीमेशन 14 रुपीज का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इंटरेस्ट को 14 रुपीज एडजस्ट कर लिया था. यहाँ पर मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑटोमेटिकली मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट 2,14,000 हुआ. अगर मैं और भी फाइन अप्रोक्सीमेशन करता तो ये फिगर एकदम एक्जैक्टली 2,00,000 ही आता. 14,15 अप्रोक्सीमेशन एरर के लिए आया. क्लियर कॉन्सेप्शन? डन और नॉट बेटा? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोगों को अभी करने के लिए दे रहा हूं. ए टेकिंग लोन फ्रॉम बी ऑन 1/1/2020 टू बी पेड एज फॉलोज. डाउन पेमेंट 70 एंड बैलेंस टू बी पेड इन अ 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट ईयर में 53, सेकेंड ईयर में 49 एंड थर्ड ईयर में 55 विथ इंटरेस्ट 10% बोल दिया है. मतलब इसके भीतर 10% इंटरेस्ट मौजूद है बोल दिया है, इक्वल नहीं है. अच्छा यहां पर टोटल नहीं किया 50,000, प्रिंसिपल का अमाउंट वही आएगा 2,014. ये सब अगर ऐड करते हो तो देखो यही फिगर ही आएगा 2,00,014. चलो यहां पर देखते हैं. बोलो लास्ट ईयर का बैलेंस आफ्टर इंटरेस्ट कितना हुआ है? 55,000. यस और नो बेटा? बोल दिया है. लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 55,000, थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट. तो बैक ईयर कैलकुलेशन, मतलब बैक ईयर से जानेंगे. लास्ट ईयर का इंटरेस्ट 55,000, जिसके भीतर इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है? उसके भीतर इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है बोलो? हेलो, ये 55,000 तो लास्ट ईयर का पेमेंट है, तो इसमें इंटरेस्ट कितना कंपोनेंट इंक्लूड है? 10/110. यस और नो? यस सर. ये मैंने करके रखा था. तो कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? 5,000. तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर 50,000, एड इंस्टॉलमेंट ऑफ द सेकेंड ईयर कितना? सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट 49,000. तो बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कितना हुआ होगा इंस्टॉलमेंट का फिगर एड करने के बाद? 99,000, जिसके भीतर भी इंटरेस्ट होगा. बैलेंस एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट
interest at the rate of 10%. Okay, including interest at the rate of 10%, kitna? 99,000. तो last year का कितना interest उसमें घुसा हुआ है? 10/90. How much? ninety nine और उसके भीतर interest 9,000. तो फिगर बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 90,000. तो 90,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. एड फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट. सेकेंड ईयर का बिगिनिंग में इंस्टॉलमेंट आया कैसे? फर्स्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद. तो फर्स्ट ईयर का कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट किया था? 53,000. तो अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से पहले कितना वीक इंटरेस्ट था? 1,43,000. दैट इज बैलेंस ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट एट द 10% ऑफ सेकेंड ईयर. सर हाँ सर, वहां पे 99,000 इंटू 10/110 होगा ना? सॉरी हाँ, 10/110. सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी. यहां पर 1,43,000 into 10/110 कितना आएगा? 13,000. टोटल फिगर कम्स टू 1,30,000. यस और नो? डन? यस सर. तो दैट इज द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इंटरेस्ट अगर माइनस कर देता हूं, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर बैलेंस मिल गया. डाउन पेमेंट कितना था? 70,000. सो टोटल लोन का अमाउंट हो गया 2,00,000. एग्री? सेम एग्जांपल मैंने दिया है एग्जांपल 5 में, जो आप लोग घर में करेंगे. वो मैंने आप लोगों के लिए देखे रखा है, आप लोग करेंगे घर में उसको. ठीक है, ये आप लोगों के घर के लिए होमवर्क रहेगा. डन? तो बहुत अच्छी तरह से ये पार्ट आप लोग घर में देखेंगे ध्यान से. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीख जाओगे उतना अच्छा. मैंने आप लोगों को कितना पैटर्न का क्वेश्चन दिखाया है बोलो? पहला, जहां पर लोन का अमाउंट बोल दिया था, इंटरेस्ट का रेट बोल दिया था, इंस्टॉलमेंट नहीं बोला था. दूसरा, जहां पर लोन का अमाउंट बोल दिया था, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी बोल दिया था, इंटरेस्ट अमाउंट भी बोल दिया था. तीसरा, जहां पर इंटरेस्ट अमाउंट नहीं बोला था लेकिन इंस्टॉलमेंट बोल दिया था. हम लोगों को रेशियो में करना पड़ा. चार, जहां पर इंस्टॉलमेंट बोल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोला एंड इंस्टॉलमेंट इक्वल भी नहीं बोला. मतलब बाय द वे कैश प्राइस मतलब लोन का अमाउंट भी नहीं बोला, जो आज का स्टार्टिंग पॉइंट में था, एक्स वाई पकड़ के कराया. पांच, सब कुछ बोल दिया, लोन का अमाउंट नहीं बोला, इंटरेस्ट भी नहीं बोला जो कराया. तो ये आप लोग अच्छी तरह से घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोगों को इसके ऊपर एफर्ट देना ही पड़ेगा. ठीक है, कुछ दिन के भीतर ही आप लोगों का एसओपी आ जाएगा.